दोस्तों आईपीएल के ऊपर आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है आरसीबी के नए ओपनिंग प्लेयर को लेकर। इसके बाद ट्रेड विंडो, ऑक्शन प्लेयर की लिस्ट, चेन्नई सुपर किंग्स और भी कई सारी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जोड़ देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जोड़ करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो में आगे बढ़ते और वन बाय वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से, और चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ यानी कि काशी विश्वनाथन ने बताया है कि आईपीएल 2023 में महेंद्र सिंह धोनी ही चेन्नई की टीम की कप्तानी करेंगे, यानी कि चेन्नई की टीम अपना कप्तान नहीं बदलेगी। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से, और आरसीबी के सुपरस्टार बल्लेबाज रजत पाटीदार को उनके आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये खबर पूरे आरसीबी और रजत पाटीदार के फैंस के लिए काफी बड़ी है। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से, और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मिनी आईपीएल में यहां पर पार्ल रॉयल्स के नाम से एक टीम परचेज किया, और पार्ल रॉयल्स का पूरा स्क्वाड आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो मिनी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्क्वाड कुछ ही इसी प्रकार से होने वाला है। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट आईपीएल 2023 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के टॉप टारगेट प्लेयर्स को लेकर। तो हैदराबाद की टीम ऑक्शन में जिन खिलाड़ियों को मुख्य रूप से टारगेट करेगी उसमें मुख्य रूप से ओपनर्स का नाम शामिल है, क्योंकि हैदराबाद की टीम को शानदार ओपनर्स की तलाश है। तो एसआरएच के टारगेट लिस्ट में पहला बड़ा नाम आता है जेसन रॉय का, और जेसन रॉय ये टीम ऑक्शन में 3 से 4 करोड़ तक की बिडिंग चलाएगी। और अगर जेसन रॉय ऑक्शन में आ जाएंगे तो हैदराबाद की टीम किसी अदर ओपनर को टारगेट नहीं करेगी। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम आता है एलेक्स हेल्स का, और हेल्स को भी ये टीम ऑक्शन में टारगेट करती हुई नजर आएगी। इसके बाद तीसरा नाम आता है देवदत्त पड्डीकल का, और अगर पड्डीकल ऑक्शन का पार्ट बनेंगे तो हैदराबाद की टीम इस प्लेयर को भी टारगेट करेगी। और इस लिस्ट के अंतिम बड़े प्लेयर है मिचेल स्टार्क, और स्टार्क के ऊपर भी ऑक्शन में हैदराबाद की टीम बोली लगाएगी, क्योंकि हैदराबाद की टीम को विदेशी तेज गेंदबाज की तलाश है। और एसआरएच की टीम अपने स्क्वाड से मार्को जेंसन को रिलीज करके ऑक्शन में मिचेल स्टार्क को खरीदने का पूरा प्रयास करेगी। तो आपके हिसाब से हैदराबाद की टीम को कौन कौन से प्लेयर्स को खरीदना चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, और कमेंट में ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो में कौन सी टीम के टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट देखना चाहते हैं। जिस टीम के ऊपर सबसे अधिक से अधिक कमेंट आएगा उस टीम के टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट हम अगली वीडियो में बता देंगे। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है गुजरात टाइटंस के टॉप रिटेन प्लेयर्स को लेकर। तो गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल 2023 के लिए जिन खिलाड़ियों को 100% रिटेन करेगी उसमें नाम आता है कप्तान हार्दिक पांड्या का, इसके बाद राशिद खान, शुभमन गिल, इसके बाद राहुल तेवटिया, मोहम्मद समी, डेविड मिलर और रिद्धिमान शाह जैसे प्लेयर्स को गुजरात की टीम 100% अपने स्क्वाड में रिटेन करेगी। और अगली वीडियो में आप किस टीम के रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट देखना चाहते हैं उस टीम का नाम कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के ट्रेड विंडो में ट्रेड होने वाले कुछ सुपर स्टार प्लेयर की लिस्ट को लेकर। तो ट्रेड विंडो बीसीसीआई ने ओपन कर दिया है, और अब ये ट्रेड विंडो ऑक्शन से एक वीक पहले खत्म हो जाएगा, और इस ट्रेड विंडो में काफी सारे प्लेयर्स अपनी पुरानी टीम को छोड़कर के नई टीम को ज्वाइन करेंगे। तो कुछ प्रोबेबल ट्रेड प्लेयर्स के बारे में बात करें तो पहला बड़ा नाम आता है कैरन पोलार्ड का, और पोलार्ड को करेंटली कोलकाता और लखनऊ की टीम की तरफ से अप्रोच मिला है, जहां पर कैरन पोलार्ड को कोलकाता और लखनऊ दोनों ही टीम अपने स्क्वाड में ट्रेड करना चाह रहे हैं, और मुंबई की टीम भी जल्द ही पोलार्ड को ट्रेड के लिए अवेलेबल कर देगी। इसके बाद इस लिस्ट के दूसरे बड़े प्लेयर है वरुण चक्रवर्ती, और खराब परफॉर्मेंस के चलते कोलकाता की टीम चक्रवर्ती को जल्द ही ट्रेड के लिए अवेलेबल करेगी। तो ऐसे में चेन्नई की टीम मौका पर चौका मारने का प्रयास करेगी, और
और चक्रवर्ती को अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहेगी, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती चेपॉक जैसे स्पिन ट्रैक पर काफी डेंजरस साबित होंगे, तो इस वजह से चेन्नई के रडार पर वरुण चक्रवर्ती होने वाले हैं। और इस लिस्ट के अगले बड़े प्लेयर हैं यहाँ पर देवदत्त पड्डीकल, और देवदत्त पड्डीकल को भी दो टीमों की तरफ से ट्रेड का ऑफर मिला है, जिसमें नाम आता है कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का। तो ये दोनों ही टीमें देवदत्त पड्डीकल को ट्रेड करके अपने स्क्वाड में शामिल करना चाह रही, क्योंकि दोनों ही टीमों को इंडियन ओपनर की तलाश है। तो आपके हिसाब से ट्रेड विंडो में कौन कौन से प्लेयर्स ट्रेड होंगे, सभी प्लेयर्स का नाम कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट आईपीएल 2023 के लिए आरसीबी टीम के नए ओपनिंग प्लेयर को लेकर। तो आरसीबी की टीम ऐसा प्लान कर रही है कि आईपीएल 2023 में अपना ओपनिंग प्लेयर बदला जाए, और इसके लिए आरसीबी की टीम ऑक्शन में कैमरन ग्रीन को टारगेट करेगी, जो कि करेंटली ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 में काफी तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। और अगर कैमरन ग्रीन आरसीबी टीम में आ जाएंगे तो ऐसे में फाफ डु प्लेसिस के साथ कैमरन ग्रीन ओपन कर पाएंगे, और उस सिचुएशन में आरसीबी का ओपनिंग प्लेयर पूरे आईपीएल में काफी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही ओपनर काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। तो इस वजह से ऑक्शन में 100% कैमरन ग्रीन के ऊपर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम बोली लगाएगी। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी अपडेट आईपीएल 2023 के ऑक्शन डेट को लेकर। तो बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बता दिया है कि आईपीएल 2023 का ऑक्शन दिसंबर के महीने में स्टार्ट होगा, जहां पर 16 दिसंबर को यानी कि मिड दिसंबर में आईपीएल 2023 का ऑक्शन स्टार्ट होगा। और इस बार मिनी ऑक्शन होगा, तो इस वजह से सिर्फ एक दिन में आईपीएल के ऑक्शन को खत्म करवा लिया जाएगा, जिसका सीधा लाइव प्रसारण टीवी में स्टार स्पोर्ट्स पर दोपहर 2 या फिर 2:30 बजे से किया जाएगा। इसके बाद इस लिस्ट की नौवीं बड़ी अपडेट आईपीएल 2023 के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स को लेकर। तो ऑक्शन प्लेयर की लिस्ट बीसीसीआई नवंबर के अंत में जारी करेगी, और अब से कुछ दिनों बाद बीसीसीआई ऑक्शन प्लेयर की लिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देगी, जिसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी अपने अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवा करके ऑक्शन के लिए खुद को सबमिट करेंगे। इसके बाद इस लिस्ट की दसवीं और आखिरी अपडेट है इंडिया अफ्रीका के पहले टी20 मैच को लेकर, जो कि अब से कुछ देर बाद यानी कि शाम 7 बजे से तिरुवनंतपुरम में स्टार्ट हो जाएगा। और इस टी20 मुकाबले का सीधा लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स, डीडी स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार पर किया जाएगा। तो आपके हिसाब से भारत और साउथ अफ्रीका के पहले टी20 मैच में कौन सी टीम जीतेगी, उस टीम का नाम कमेंट में जोड़ बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।